Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Unboxing Mila. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे दोबारा से रिव्यू की वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को रिव्यू माइक का देने वाली हूँ। पिछली बार मैंने एक मरतबा माइक का रिव्यू दिया था तो मैं आज दोबारा से आप लोगों को दे रही हूँ और आज मैं रिव्यू दे रही हूँ बोया का माइक। ठीक है, ये है बोया का लेवेलियर माइक्रोफोन माइक्रोक्रेवेट का है ये माइक और ये माइक बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर स्मार्टफोन्स कैम रिकॉर्डर्स DSLR ऑडियो रिकॉर्डर्स PC एटसेट्रा, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कैमरा में यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट है और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो ये और भी ज़्यादा बेस्ट है। सो मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी 14 MB की, जिसके अंदर मैंने जो है वो नेशनल सॉन्ग सिंग किया था, तो उसके अंदर मैंने ये वाला माइक को ना वो यूज़ करा था। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर दिया क्या क्या है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे दिया गया है ये एक पाउच टाइप, जिसके अंदर आप लोग इसको रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बोया और ये बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा लग रहा है, बिल्कुल लेदर का है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ साथ इसके अंदर हमें दिया गया है एक माइक, यानी कि फोम माइक, तो ये नहीं है, ये फोम है जिसके ऊपर, जिस माइक के ऊपर आप लोग जो है इसको लगा के बोलेंगे तो उसकी और भी ज़्यादा क्वालिटी जो है अच्छी आएगी। ये हमें दी गई है एक कॉपी जिसके अंदर सारे इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं इसके। साथ साथ हमें ये इसके अंदर साथ साथ हमें एक पिन दी गई है जिसको आप डेक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, डेक वगैरह यानी कि जैसे बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं और इसके अंदर आप लोगों को उसे फिट करके आप बोल सकते हैं, आप कुछ सिंग कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, साथ साथ मेन चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को अब दिखाने मेन चीज़ नहीं पता है। और साथ साथ इस ये मैं ना वीडियो में डालूंगी ये कौओं की आवाज़। ठीक है, और साथ साथ हमें दिया गया है ये बोया के स्टिकर्स, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी नहीं बोलूँगी कौवा खाने का कुछ मांग रहा है कि भाई कुछ दो, हमें भी दो, हमें भी। ये दिया गया है हमें यहाँ पे बोया के स्टिकर्स। बोया के स्टिकर्स को आप कहीं भी अप्लाई यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल के पीछे अप्लाई पेस्ट कर सकते हैं, इस स्टिकर को लैपटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है हमारा माइक। तो इसके अंदर हमें दिया गया है एक अदर माइक। ठीक है, इसके ऊपर ये क्लिप जो अलग दिया गया था लेकिन मैंने इसको पहले से फिट कर दिया था ताकि फिट हो जाएगा तो सही लगेगा, बार बार मुझे लगाना ना पड़े इस वजह से। तो इसके अंदर एक अदद में क्लिप भी दिया गया है कि अगर आप लोगों को ऐसे पकड़ के नहीं बोलना है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो और फिर छोड़ दें तो आवाज़ वो और भी ज़्यादा क्लियर आती है। ठीक है, और साथ साथ हमें यहाँ पे ये है इसकी बैटरी। ठीक है, ये है इसकी बैटरी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर कैमराज ऑफ और स्मार्टफोन, कैमरा ऑफ और स्मार्टफोन का हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप लोग स्मार्टफोन में ले रहे हैं मतलब यूज़ कर रहे हैं इसे तो आप इस बटन को नीचे की तरफ कर देंगे। ठीक है, अगर आप कैमरा में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको सबसे ऊपर कर देंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे इसके अंदर जो एक सेल भी दिया गया था जो कि सेल मैंने इसके अंदर पहले से ही लगा लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेल का इसके अंदर कौन सा काम इतना आ गया है। अगर आप लोग कैमरा में, PC में, लैपटॉप में या कोई और ऐसी चीज़ में यूज़ इसे कर रहे हैं तो आप लोगों को इसके अंदर जो वो सेल लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग स्मार्टफोन वगैरह में इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को सेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी सेल लगाया हुआ है, ये है इसका सेल, ये छोटा सा एक ही सेल दिया गया था, एक सेल तो दिया दो दे देते तो अच्छा होता। तो ये सेल दिया गया है और मेन चीज़ है हमारी ये। ठीक है, ये और ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा मेन है और इसमें आप यहाँ पे बोल सकते हैं, इसमें मैं माइक अगर लगा दूँ और माइक लगा के आपको दिखाऊँ। सो अब इसके ऊपर ऐसा माइक लगा के देन इसके बाद आप बोलेंगे तो इसकी और भी क्वालिटी की जो आवाज़ है वो और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। ठीक है,
ठीक है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी इसके अंदर तार दी गई है एंड केबल दी गई है। अगर अचानक से बारिश हो जाती है, अब बारिश में वीडियो बना रहे हैं तो बारिश की कितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो रही होती है, और कभी कभी तो पानी भरने की आवाज़ आ रही होती है, टा 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 डग डग आवाज़ आ रही होती है इस वजह से। तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग स्मार्टफोन के अंदर इसे लगा के आप कमरे में खड़े हो जाएं, और आप लोग जितना भी जाए दूर चले जाएंगे, इसकी ज़्यादा खत्म नहीं होगी, ठीक है। बहुत लंबी केबल दी गई है। सो बारिश में आप लोग इस तरीके से वीडियो बना सकते हैं। आप लोग किसी को बोल दीजिए कि भाई मोबाइल लेके रूम में खड़े रहो, मैं बारिश में जाके बोलूँगा तो फिर आवाज़ बिल्कुल। तो ये है हमारे पास मेन चीज़। इसके अंदर आप लोगों को बहुत लंबी केबल दी गई, तो आप इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये है एक बेस्ट क्वालिटी, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ करा था। मैंने बोला कि मैं भी अपनी वीडियो के लिए ये ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करूँ, बिकॉज मेरे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर दीज सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। और मुझे इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू है आप लोगों का। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।